यस अनुज जी, अगर आगे बढ़े बात करें कैसे सीड की, तो देख रहे हैं कि कैसे सीड 6500 का लेवल टच करने में काफ़ी समय ले रही है। हालांकि जो फंडामेंटली अगर बात करें तो फंडामेंटल्स देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। कैस्टर ऑयल का जो जुलाई और अगस्त का जो एक्सपोर्ट है वो उसके अंदर भी बढ़त देखने को मिल रही है, उसके बावजूद देख रहे हैं कैसे सीड 6500 का लेवल टच नहीं कर पा रही है। आपको क्या लगता है 6500 का लेवल टच होने में कैसे सीड को अभी और कितना टाइम लग सकता है? देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कैस्टर का ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, और जिस तरीके से हमने आज भी रिकवरी देखी है मुझे लगता है कि जल्दी ही हम 6500 के लेवल आते हुए देखेंगे। ट्रेंड पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर खरीदारी है वो लौटती हुई दिखाई दे सकती है, और मुझे लगता है कि जल्दी ही हम आने वाले एक या दो महीने में 6500 का लेवल यहाँ पर देख पाएंगे। एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है और डोमेस्टिक डिमांड भी यहाँ पर कंटिन्यूस बढ़ती हुई दिख रही है, हमें लगता है कि उससे काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे। जी